गुड मॉर्निंग क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 संज्ञा। इसमें संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, लाल किला, ताजमहल, रामचरितमानस, बाइबल, गीता, कुरान, ये सब विशेष में आ जाते हैं। फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्ति के बाद में जातिवाचक, यानी कि आचार्य, वश, बकरी, बकरी से संबंध है तो जानवर जाति से, आचार्य से संबंध है शिक्षक जाति से, शिक्षक जाति से, जानवर, आदमी, बालक, लड़की, ये सब प्राणी में आ गए। स्थान, इमारत, देश, पर्वत, कक्षा, ये सब कहाँ पे आ गए? स्थान में आ गए। वर्ग में शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, अभिनेता, ये सब वर्ग में आ गए। भाववाचक संज्ञा तीसरा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खट्टा, भलाई, प्रशंसा, बुढ़ापा, बचपन, गरीबी, दुख, ये अवस्था हो गया, दर्द गुण दोष हो गया। और भाववाचक संज्ञा जो है मैं अंत में हम ता जोड़कर, पन जोड़कर, आई जोड़कर, दीर्घायु जोड़कर, प जोड़कर, बट जोड़कर, इमा जोड़कर हम भाव संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये द्रव्य क्या है और पदार्थ क्या है? ये पदार्थ में हो गया पानी, तेल, घी, ये सब पदार्थ हो गया, दाल, चावल, चांदी, धातु जो हो गया, धातु, सोना, लोहा, तांबा, यानी कह सकते हैं जिसे मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है समुदाय वाचक या समूह वाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। टोली, दल, मंडली, ढेर, भीड़, सेना, सभा, जुलूस इत्यादि, जहां भीड़ इकट्ठी होती है ना, उसे क्या कहते हैं? समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद में आते हैं हम सर्वनाम में। सर्वनाम जिसका नाम लेते ही क्या होता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा यानी नाम वाला। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले को सर्वनाम कहते हैं। क्या है वह? तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे, क्या सब है? तो इसमें सर्वनाम में एकवचन और बहुवचन, तो एकवचन में क्या सब ले सकते हैं सर्वनाम में? मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे, ये एक वचन में हो गया सर्वनाम में। लेकिन बहुवचन में उपयोग कैसे करेंगे? मैं के बदले हम या हम सब, तुम के बदले तुम या तुम सब, तुम के बदले तुम सब, वह के बदले वे, यह के बदले ये, उसे के बदले उन्हें, इसे के बदले इन्हें, ये बहुवचन हो गया, एक वचन हो गया। सर्वनाम सब उपयोग करेंगे। अब सर्वनाम के कितने भेद? सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा जो है जो आपका निजवाचक सर्वनाम, यानी खुद खुद। अब आता है पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलने वाले, सुनने वाले
या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भेद होते हैं, पहला उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ये तो मत पहला जो है इसमें जैसे संस्कृत में हमने पढ़ाया था पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लेकिन हिंदी में पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हम एग्जाम्पल के रूप में मैं, हम, हमने, मेरी, मेरा का प्रयोग करेंगे, लेकिन मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तेरा, तेरी का प्रयोग करेंगे और अन्य पुरुष में वह, यह, वे, उसका, उसकी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट, निकट मतलब नजदीक यानी पास, या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संकेतवाचक भी कहा जाता है उसे, इसमें ये, वे, इस, उस, इसने, उसने आदि का बोध। इसके बाद में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चलता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। अब हमें एकदम से पता है दूध में कुछ गिर पड़ा, पानी में कुछ है, थोड़ा चावल, थोड़ा चावल दो, थोड़ा दाल दो, अनिश्चितता का बोध होता है। इसके बाद में है संबंध वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है उसे संबंध वाचक, जैसे जो सो, जैसा वैसा, वहां, जिसकी, उसकी, इत्यादि। जिसके हाथ में थैला है वे मेरा भाई है, संबंध को दर्शाता है दूर से ही, है ना। जो गेट के पास बैठे हैं वे मेरे पिता हैं, है ना, संबंध को दर्शाता है, है? जो वह खड़ा है, वह मेरा भाई है, जो भाग रहा है वो मेरा नौकर है, संबंध को दर्शाता है। इसके बाद में आता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें प्रश्न करने के लिए क्या, कैसे, क्यों, कौन, कहां, किसे, किसने, किस लिए इत्यादि का प्रयोग होता है। जब ये कौन क्या उसके साथ तुम होगा, मैं होगा, वह भी होगा, उसको गौन कर देंगे उस सर्वनाम को, लेकिन जब कौन क्या किसने किसके लिए होगा वह प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग किया जाएगा, मतलब वही उसका सर्वनाम शब्द है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो यहां पर मैं कहां से तात्पर्य है, कहां, यहां, कहां सर्वनाम शब्द और प्रश्नवाचक है, यहां तुम का प्रयोग नहीं हम करेंगे किसी के लिए। इसके बाद अंत में जो है निजवाचक सर्वनाम, यानी स्वयं के लिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है अर्थात उससे अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने आप ही, स्वयं ही, इत्यादि, खुद, ये प्रयोग में आता है, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब जो है निजवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, जो खुद के लिए करता है बोलने वाला, यानी बोलने वाला खुद के लिए, जो उत्तम, वही जो बोलता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। तो जो बोलने वाला खुद के लिए करता है वही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इतना जो है देखिएगा रिवाइज किया करा है और इतना करने करके संज्ञा सर्वनाम को कीजिएगा और कल जो है सो आपका संस्कृत का टेस्ट होगा। थैंक यू।